खिड़की खोलिए और जरा बाहर झांकिए भाई, सूरज की रोशनी के बीच हल्की सर्दी आपका इंतजार कर रही है। कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों से मैदानी इलाकों की तरफ बहने वाली हवाओं की वजह से हमारे यहाँ भी एयर क्वालिटी बेहतर हुई है, सुधरी है। तो खुले आसमान के नीचे सैर सपाटे और योगाभ्यास का मजा लीजिए। जाइए जरा नेचर के करीब जाइए, बंद कमरे और ट्यूब की रोशनी में अपनी जिंदगी कैद मत कीजिए। ये हर पल आपको बीमार बना रही है। और अब तो ऑस्ट्रेलिया की फिंडलर्स यूनिवर्सिटी ने भी ये दावा कर दिया है कि दिन के उजाले में ज्यादा वक्त गुजारने वाले लोगों को सडन डेथ का खतरा 34% तक कम हो जाता है। मीनाक्षी, तभी तो आपकी बात मानकर अमित और श्रुतिका प्रकृति के करीब चले गए हैं। देखिए तस्वीरें भी प्रकृति के करीब से आ गई हैं अमित और श्रुतिका की। और पॉल्यूशन का जो लेवल है वो काफी हद तक डाउन हुआ है। आज सूरज भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है और उस मौके का फायदा देखिए कैसे इन दोनों ने उठाया, किस तरह से ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज यानी कि बैटल रोप कर रहे हैं दोनों। देखिए हरियाली के बीच में इस तरीके से भरपूर ऑक्सीजन का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, भरपूर रोशनी भी है। तो जो शुरुआत की रिसर्च थी, सडन डेथ का खतरा 34% तक कम हो जाता है और एनर्जी डबल हो जाती है। वैसे हेल्दी और लॉन्ग लाइफ के लिए नेचर के करीब रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी दुनिया एक नए अंधेरे युग के करीब खड़ी है जो आर्टिफिशियल लाइट से डूबी हुई है और इसका बुरा असर हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक पर पड़ रहा है। सर्कैडियन रिदम बिगड़ने से शरीर के 24 घंटे के चक्र पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे पाचन के साथ साथ दिल, दिमाग, आंख, लिवर, किडनी, मसल्स, जॉइंट, बोन्स कमजोर हो रहे हैं। मोटापा, शुगर, बीपी के साथ साथ हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी उससे बढ़ रही हैं। और वैसे ही सर्दी का मौसम है, कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए परेशानी से भरा होता है। बहुत से लोगों का हाजमा भी इस मौसम में खराब ही रहता है। अब ऐसे में जरूरी हो जाता है कि घर से बाहर निकले, योगाभ्यास भरपूर करें, जम कर ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में भरें, प्राणायाम करें, क्योंकि इससे कंप्लीट हेल्थ मिलती है। और तो और मौसम बदलने का कोई फर्क भी शरीर पर नहीं पड़ता है। और आजकल तो मेरी वैसे भी ड्यूटी खुली आसमान के नीचे ही लग रही है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आज देखो सुबह सुबह हमने, ये बिचारी बहुत शरीफ सी गधी है, लेकिन इसने इस आचार्य कलम को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए इसका बहुत बहुत अभिनंदन है। ये कई मंजिल चढ़ जाती है, ये ऐसे ऊपर भी चढ़ती। आजा आजा भाई, आजा आजा। और ये दूध भी देती है। शायद बहुतों ने ये नहीं सोचा होगा कि गधी का भी दूध होता है। आजा भाई, आजा ऊपर आजा। स्वामी जी, बहुतों ने नहीं सोचा होगा कि आप एक गधी का भी सम्मान करेंगे, वरना तो बड़ी हे दृष्टि से देखते लोग गधे गधी को। इसको और देखो इसका दूध ना, मैंने सोचा गधी लात मारती होगी तो मैंने इनसे पूछ लिया पहले ही। आ हा हा हा, इसका पूरा दूध भाई, पहली बार थन के हाथ लगाया भाई। और इसका थन बड़े, एक थोड़ा मोटा है, एक थोड़ा छोटा है। और एक महारानी का जिक्र आता है, चलो भाई इसको ऊपर तक इसका यात्रा करवा के लाओ। क्लियोपेट्रा वो गधी के दूध से नहाया करती, कहते बड़ी खूबसूरत थी वो, मिस्र की महारानी थी। अब सुनी भी बात है, ये तो हजारों साल पहले की बात है। देखो हमारे यहां तो जो है बिना गधी के दूध के ही अच्छे हैं हमारे बच्चे। करो वृक्षासन करो। और इन्होंने अपने आप को योग से संवार लिया है, तो ये आज जो है गधी का दूध सौंदर्य प्रसादनों में 5,000 रुपए किलो तक बिक जाता है। अब मैंने पूछा भाई देती कितनी है, बोले जी 250 ग्राम देती है, 200-250 ग्राम अधिकतम। हमारी बकरी अच्छी है, वो आ लिया इसको। लेकिन भाई सच में वे एकदम गधी भी बहुत शरीफ है। और भाई जैसे मैं सोचता था ये गधी और गधा थोड़ा लात रुत जरूर मारते होंगे भाई। इतना शरीफ
इतनी शरीफ है ये और इतने बढ़िया चलती है, क्या बात है, है? एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई इसका। अरे इसका तो ऊंट भी है गाय की तरह। अभी तक हिरनों की चाल की तारीफ होती थी स्वामी जी, तो आज हमने आज ये जो गधा गधी प्रजाति है ना ये, अरे वो कैट वॉक करते हैं ना, क्या फैशन शो में इससे बढ़िया चल रही थी। आनंद है। ये जो पूरी प्रजाति है ना स्वामी जी, गधे और गधों वाली, ये इसका पूरी प्रजाति आपकी आभारी रहेगी अनंत काल तक। जय हो, जय हो रहा होगा। आपने जो सम्मान आज दिया है ना, ये वाकई काबिले तारीफ है। आज तक अभी आज पहली बार मुझे ज्ञान हुआ जो है वो सीनियर सिटीजन होने के बाद गधा और गधी तो बहुत अच्छे होते हैं, क्यों लोग इनको गाली देते हैं? गधा तो कितनी मेहनत करता है, 5 मंजिला तक चढ़ जाता है, आदमी पड़ा रहता है और फिर कहते हैं गधा का ही कमर का, गधा तो बहुत पुरुषार्थ करता है। ये गधा क्यों कहते हैं कुछ समझ में नहीं आया, किसको पता लगा? भोला भाला है ना इसलिए। भोला भाला है, भोला भाला तो अच्छी बात है। तो ये आप बताओ हुसैन जी, ये गधा की के नाम पर गाली क्यों देते हैं? इतना शरीफ बताओ, मुकाबला उसका घोड़े से हो गया था स्वामी जी। बेचारी महाशरीफ और उसके नाम पर अच्छा घोड़े से मुकाबला हो गया, बताओ ये कोई बात हुई कि कोई जो है कुत्ते का मुकाबला हाथी से करने लगे और फिर कुत्ता कहीं का गधा कहीं का ऐसे गाली देने लगे? ये गलत बात है, तो आज से हम आंदोलन करेंगे यदि कोई ऐसा बोल देगा तो। चलिए हॉर्स पावर को बदल करके फिर जो है वो फिर दूसरा पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा, डोंकी पावर हो जाएगा, लेकिन फिर वो दूसरे मायनों में होगा। खैर स्वामी जी, हम जरा अपने विषय पर आते। ये पावर आएगी सूर्य नमस्कार से रोज हमारा जरूर जरूर। बहुत शरीफ सा जानवर, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेवजह उसे बदनाम किया गया ये भी बिल्कुल ठीक है। स्वामी जी, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, सर्द हवाएं चलने से दिल्ली NCR में थोड़ी ठंडक आई है, लेकिन साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स भी थोड़ा बेहतर हुआ है, हवा की गुणवत्ता थोड़ी सुधरी है। मतलब ये है कि मॉर्निंग वॉक, योगाभ्यास के लिए अब पार्क में लोग जा सकते हैं, ये बहाना नहीं चलेगा भाई बहुत पॉल्यूशन है। स्वामी जी, वैसे भी दिन हो या रात, लोगों की जिंदगी में ज़्यादातर वो बल्ब वाली और ट्यूबलाइट वाली रोशनी, उसी में सारी ज़िंदगी कटी चली जा रही है, सूरज की रोशनी से मुलाकात भी मुश्किल से होती है। स्वामी जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे जो आर्टिफिशियल लाइट है इसमें ज़िंदगी जीने की वजह से सडन डेथ के जो मामले हैं वो 34% तक बढ़ जाते हैं। तो ज़रा पावर योग के ज़रिए कुछ अभ्यास करवाते करवाते ज़रा समझाइए कि सेहतमंद रहने के लिए पेड़ पौधों और सूरज की रोशनी यानी कुदरत के करीब जाना कितना ज़रूरी है। जितने भी ये कृत्रिम जिंदगी है, आर्टिफिशियल लाइफ है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बजाय रियल इंटेलिजेंस में ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को AI कहते हैं और रियल इंटेलिजेंस को RI पर ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। एक फिर ये दो, और देखो जैसे हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहन कितने आनंद से मस्ती से योग कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं, कोई बंधन नहीं, बंधन में जीते हैं, बंधन में नहीं जीते हैं। राशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं है, आसन पर है, 2-4 राशन वाले भी हमारे पास में आ गए थे तो उनको भी आसन में लगा दिया, ऐसे और फिर ऐसे, अब देखो ऐसे ये और ऐसे ऐसे 10-10 बार से शुरू करके 100-100 बार तक तो करना है। तो जितना हम प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन से, ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से, सब पृथ्वी से लेकर के सब जगह ये जो है गड़बड़ी आ गई थी, चलो ये करो। एक हमारे पास तगड़ा सन्यासी भी है, इधर आओ। पहले इनका नाम चंद्रमोहन था, तब से आप परिचित हैं इनसे, ये भी आजकल हमारे, इधर आओ लेफ्ट साइड में, यही तो आदित्य देव वंदेश है। लगाओ दंड लगाओ। अरे सन्यासी बन गए भी, आदित्य देव हो गए। ये 5000 बार तक सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया हुआ है और 1-1000 दंड तो अभी भी मैंने लगाए रखे, मैंने कहा बहुत माल खा रखा है पतंजलि का, हाँ दंड पे लो नहीं तो दंड मिलेगा।
लंबे लंबे श्वास ऐसे। अब हम जितना ज्यादा भौतिक संसाधनों की विलासिता से, देखो अपरिहार्य परिस्थितियों में, तो चलो अब ये लगाओ हनुमान दंड लगाओ ऐसे, फास्ट वाला लगाओ, हाँ कूद कूद के ऐसे, ये हाँ ऐसे। हमारी बहनें भी जोरदार लगाती है और भाई भी, हाँ होले होले और तेजी से, क्या बात है। ये तो भाई बहने आगे निकल गई, भाई तो हमारे अभी तंगड़ पटिया बांधने में लगे हुए ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। ये पावर योगा का सेशन रोज चलता है हमारा, ये फिर मिश्र दंड लगाओ, चलो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा दूसरा क्रम चल रहा है, आज तो कई राउंड का अभ्यास चलेगा ऐसे, और फिर बाद में गधी का दूध पिलाएगा। ये भी ठीक है। हाँ भाई 50 किलो में 100 ग्राम मिला देंगे। चलो भुजंग आसन कर लो, ये ऐसे, ये एक बार मैंने बकरी के दूध के बारे में बताया तो 500 रुपए किलो तक, लीटर तक बिकने लग गया, तो अच्छा बकरी वालों का भी उद्धार हो गया। आज मैंने सोच रखा है गधी वालों का उद्धार करना, तो पाकिस्तान का ज्यादा फायदा हो जाएगा स्वामी जी। जो गधे वाले और गधी गधा गधा जो गधी गधा जो पालते हैं ना, जीव जंतु कल्याण बोर्ड है हमारा, सब जीवों के ऊपर दया करो। हाँ जीव दया, ये हमारे योग का बहुत बड़ा तत्व है, जीव दया। लंबे लंबे श्वास। अच्छा स्वामी जी पावर योगा आप करवाते हैं? 100 बार तक जाना है, क्योंकि सुबह सुबह और फास्ट कर। घर बैठे जो आपके चाहने वाले तमाम दर्शक हैं वो जब पसीना बहा लेते हैं तो बहुत खुश होकर के पूरा प्रोग्राम फिर आगे तक का सफर चलता है, कि एक बार पसीना बहा लिया मतलब अब दिन पूरा जो है वो एनर्जी से भरा रहता है। लेकिन स्वामी जी एक संकट बहुत सारे लोगों की जिंदगी में है, और वो संकट कुछ ऐसा हो गया जैसे भारत और पाकिस्तान का रिश्ता सुलझ के ही नहीं दे रहा, और वो संकट ये है कि सुबह पेट का साफ ना हो पाना, और इसकी वजह से वो दिन भर परेशान रहते, एक ऐसी परेशानी जिसका कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो ये कॉन्स्टिपेशन क्या जिनको है वो ठीक होगा किसी का? क्या करें, बहुत सारे लोग कहते बड़ी जिद्दी बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन में पूरा अंदर का चक्का जाम हो जाता है। तो देखो जो इतनी मेहनत करेंगे, लगे रहो तुम्हें रुकना मना है। हाँ एक किसान से किसी ने पूछा गन्ना कैसे तैयार होता, बोले दे खाद दे पानी, दे खाद दे पानी, बोले रुक तो जा, बोले रुक गया तो गन्ना सूख जाएगा। तो लगे रहो, तो ये ऐसे, तो पवन मुक्तासन करो, चलो पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, बैठ के मंडूकासन ऐसे। अब मंडूकासन करने से हमारे पास एक वैद्य थे बहुत पुराने, और ओम प्रकाश जी और एक का दूसरे का नाम भूल गया इस समय, तो बोले बाबा जी आपने जो मंडूकासन बताया ना, ये करते ही तो एकदम खखाटा उठता है। मैंने कहा क्या होता है? बोले सारे बंद खुल जाते हैं मंडूकासन करते ही, ऐसे पेट साफ होता है जैसे बादल से भट गए हो पूरा। हाँ खटाखट आता है नीचे, मंडूकासन पवन मुक्तासन, और रात को दूध के साथ गुलकंद ले लो। हाँ तो ये गुलकंद बड़ा अच्छा है। फिर इसबगोल, बहुत कम लोगों को पता है पतंजलि से 100% शुद्ध और सस्ता श्रेष्ठतम इसबगोल भी हम उपलब्ध कराते हैं। गरम पानी गरम दूध के साथ लो तो पेट साफ करता है, दही के साथ लो तो कोलाइटिस और जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज और जिनका बार बार पतली लैट्रिन आती है उसके लिए ठीक काम करता है। फिर त्रिफला बहुत ही जोरदार है, आज हमने सब रखा हुआ है त्रिफला, और ज़्यादा ही जिसके बंद लग जाए तो शुद्धि चूर्ण। हरड़ बहेड़ा आंवला, ये हरड़ है, ये बहेड़ा है, और ये छोटी हरड़ है, ये बड़ी हरड़ है, ये आंवला है, और ये जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन, इसका भी रात को पानी भिगो देते और सुबह पिला देते, उससे भी पेट साफ हो जाते। आंवला एलोवेरा, ये तो हमने पूरे देश को ही उपलब्ध करा दिया, ये आंवला एलोवेरा का जूस, ये रात को गर्म पानी में पिला दो,
या सुबह उठते ही तेज गर्म पानी में पी लो, पेट एकदम खटाखट झटाझट साफ हो जाता है। अभयारिष्ट पी लो, इससे भी पेट साफ हो जाता है। अभयारिष्ट ये पेट साफ करने के लिए, द्राक्षासव ये भूख बढ़ाने के लिए, कुमारियासव ये जो है जो अपचन आदि होता है उसके लिए, कुटजारिष्ट जिनको ज़्यादा पेट साफ हो जाता है। सुबह सुबह अनार खाओ, सुबह सुबह अभी सर्दी आ गई ना तो अमरूद और ये सेब इसको उबाल के खा लो। मैंने भी कल उबाल के खा लिया, ऐसा पेट साफ हुआ पूरा, देखो पूरा खालिस्तान हुआ रखा है, खालिस्तान पूरा। और हाँ स्वामी जी, एक और है, सुबह सुबह खाओ मूली, बोलते जड़ी मूली, एक तरफ सारी जड़ी बूटियां और एक तरफ मूली, जड़ी मूली, मूली जो है ना ये बड़ी जोरदार है, और ये पतंजलि की ऑर्गेनिक मूली है, आगे थोड़ी तीखी होती है। हाँ, जो नए नए पंडित हो, नए नए व्याकरण हो, नए नए एंकर हो, तो बड़े तीखे तीखे से होते हैं। और देखो, और ये देखो पीछे से ना, ये यहां से पीछे से मीठी मीठी होती है, तो बड़ी अच्छी होती है, और इसको पत्ते के साथ खाओ, सच में मीठी है। कई बार नाटक करना पड़ता है, मीठी है। हाँ, एक दिन मैंने वीडियो देखा, एक ने पहले तो बंदर को सेब खिला दिया और बाद में फेंक दी उसको प्याज, प्याज खा करके यो यो कर रहा, और मारा उसको झपट्टा कि तूने मेरे को पहले सेब से बहकाया और फिर प्याज खिला दिया। तो ये बहुत अच्छा है स्वामी जी, कॉन्स्टिपेशन की जिद जो है वो खत्म होगी तो बाई नहीं करती। लेकिन ये बड़ी कमबख्त चीज है, लोगों को प्रमोशन और अप्रेजल की खबर भी जो है वो नहीं समझ में आ रही होती कॉन्स्टिपेशन की वजह से, यहाँ दिमाग सारा कहीं और लगा हुआ होता है। खैर, लेकिन आज जो कार्यक्रम देखेंगे उनका कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। स्वामी जी, आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो बड़ा स्ट्रेस लिए हुए घूम रहे हैं, और पोल्यूशन ने भी लोगों को बड़ा स्ट्रेस दे रखा है, बहुत तनाव दे रखा है। अब इसका असर जाहिर है ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर और डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ रहा है, जिसमें एक बड़ी परेशानी गैस्ट्रिक की है, गैस की है। तो योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी जरा ये समझाइए कि पेट में अगर बहुत गैस बन रही है और फिर वो गैस सिरदर्द बढ़ा रही है, तो इसका कोई उपाय है, और इंस्टेंट कोई अगर उपाय हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। देखो, इंस्टेंट में एक तो मंडूकासन की तरह योग मुद्रा आसन करें, जो हमारी पूज्य सन्यासिनी बेटियां भी कर रहे हैं, और ये उत्तान पादासन बड़ा जोरदार है, चलो सन्यासी उत्तान पादासन करो। हाँ, ये उत्तान पादासन बड़ा अच्छा है, योग मुद्रासन तो हमारी सन्यासिनी बेटियां कर रही हैं। पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए और थोड़ी जमीन पर टिका दी, अब बहुतों का तो पेट देवता ही बीच में अड़ जाता है। तो ये पेट के लिए बहुत ही जबरदस्त है मंडूकासन, और गैस के लिए गोमुखासन। फिर एक हम गैसर चूर्ण देते हैं, ये तो हरित की चूर्ण है पेट सफाई के लिए, ये जो है त्रिफला चूर्ण है सौम्यतासी, जिनको पेट साफ करना हो, और जिनको ज़्यादा ही कब्ज हो जाता है उनको फिर ये शुद्धि चूर्ण देते हैं। फिर ये अविपत्ति का चूर्ण एसिडिटी के लिए, ये गैसर ये ढूंढ रहा था मैं इतनी देर से। और फिर जो है वो लवण भास्कर हिंगवाष्टक भी छाछ में डाल के पिलाते हैं, बड़ा टेस्टी हो जाता है। और किसी को ज़्यादा ही मज़ेदार पीना हो तो थोड़ी खांड और मिला दो, खांड या शक्कर, तो वो तो फिर सुपर डुपर वाला टेस्ट हो जाता है। एक हमारे वैद्य हंसराज जी हैं, एक दिन लेकर के आए, मैंने कहा क्या वैद्य क्या मिला रखा है, ये तो ऐसा आपने बना रखा है कोई सुपर जूस सा, बोले इसमें हिंगवाष्टक लवण भास्कर और देसी खांड मिला रखी है। तो गैसर खाने से एकदम से गैस, मुंह में गैसर चूर्ण और कुछ ऊपर से कुछ नीचे से, गैस गायब। गैस नहीं तो इतनी बनती है, यहाँ दिल पर चढ़ जाए ना तो हार्ट अटैक जैसा फील होता है, दिमाग में चढ़ जाए तो सिर घूमने लगता है,
और गैस पेट में फूल जाए एक की तो मैंने देखा जुबान बंद होगी, गैस इतनी आ गई बोल नहीं सका और हिचकी फिर कोई एक आधी हिचकी आए तो कोई याद कर रहा है और ज्यादा आए तो बोले ऊपर वाला याद कर रहा है किसी किसी को इतनी गैस बन जाती है। एक लाला जी ने अपनी कुर्सी में छेद करवा रखा मैंने कहा भाई ये किसके लिए है, अरे बोले बाबा जी पाद घड़ू निकला है तो और एक सेवक रख रहा था टांग उठाने के लिए, लाला जी को जब पाद आए तो हे राम ये गैस का चक्कर बड़ा खतरनाक है। तो स्वामी जी एक और ऐसा ही चक्कर है खतरनाक वाला, जाट आदमी एक पंजाबण को ब्याह लाया, अरे बोले मैया माँ ए ए ए चटनी पा दू ए दाल पा दू सब्जी पा दू, मेरा बेटा पाद रहा है तो बाहर जा हमारे घर में मत रहिए। स्वामी जी देखिए आपने तो बड़े हंसी मजाक में ये बात कह दी लेकिन वाकई में जिससे गैस की प्रॉब्लम होती है गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम दूर उसके लिए इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कि वो क्या करे। सर्वांगासन हंसी मजाक में ये सारी बातें हो गई हैं लेकिन सच में परेशानी बहुत बड़ी, गैस और चूर्ण खाए, बिल्कुल गैस और चूर्ण खाए। स्वामी जी एक ऐसी प्रॉब्लम और है कोलाइटिस की, ये पैर ऐसे दबाए, थोड़ा अजवाइन थोड़ा सेंधा नमक। हाँ स्वामी जी एक कोलाइटिस पेट की बहुत बड़ी परेशानी है, पहले पेट में मरोड़ आता है फिर हमेशा ऐसा महसूस होता है कि वॉशरूम जाने की जरूरत है, प्रेशर आ रहा है, इससे कैसे निजात पाए स्वामी जी कोलाइटिस के लिए योग में क्या क्या समाधान है, योग के जरिए कौन से आसन करने चाहिए और फिर खान पान क्या करना है, आयुर्वेदिक उपाय तो आप बता ही रहे हैं। तो मंडूकासन योग मुद्रासन तो हमने बताया, गोमुखासन गैस के लिए और पवन मुक्तासन उत्तान पादासन के बाद हलासन करो पीछे ऐसे देखो, अब इसने तो पीछे टिका दिए, अब देखता हूँ कितनी देर टिका के रखेगा। इसने सोचा आज तो फंस गया, तो ये हलासन बड़ा ज़बरदस्त है, जैसे हल से खेत की जुताई करते हैं ना तो पेट की जुताई हो जाती है इसमें पूरा हलासन में, तो ये इतना तो जो है। फिर पवन मुक्तासन उत्तान पादासन दोबारा करो, हाँ वो बहुत ज़बरदस्त है, एक एक मिनट पवन मुक्तासन उत्तान पादासन, एक एक मिनट मंडूकासन योग मुद्रासन ये गोमुखासन, और जिससे इतना भी ना हो पाए ना तो इतना तो कर ही सकता है ना ऐसे ऐसे। कोलाइटिस के लिए एकदम सटीक उपाय बताता हूँ, सबसे अच्छा है ये सौंफ है ना, सौंफ सौंफ को थोड़ी मात्रा में ले तो ये पेट का डाइजेशन बहुत अच्छा कर देती है, सौंफ और मुलेठी थोड़ी मात्रा में। फिर एक बात अच्छी औषधि है, सौंफ और मुलेठी में कूड़ा की छाल, कूड़ा मतलब कूड़ा कचरा नहीं, कुटज बोलते हैं कुटज को, और उसका कुटजारिष्ट बड़ा जबरदस्त है, ये कुटजारिष्ट पी लें, ये कुटजारिष्ट बड़ा जबरदस्त है, और कुटज घनवटी, कुटज घनवटी और ये कोलोग्रिट ये बड़ा जोरदार है। हाँ और सूजन आ जाए तो पुनर्ग्रिट भी साथ में दे देते हैं, कोलोग्रिट कुटजारिष्ट, कुटजारिष्ट के साथ दो दो छोटी गोली होती है ना ये उसकी जो है ये कुटज घनवटी की, कुटज घनवटी और चित्रकादिवटी ये दोनों है, तो ये दो दो गोली चित्रकादिवटी है तो चूस भी सकते हैं, कुटज घनवटी दो दो से लेके चार चार गोली तक खिला देते हैं इसके साथ कुटजारिष्ट के साथ, और ये खाली पेट कोलोग्रिट। फिर दही में अनार, उबला हुआ सेब, पका हुआ केला, उबला हुआ सेब पका हुआ केला यही आहार में देते हैं, और उसको खिचड़ी खिलाते हैं, मूंग की दाल छिलके वाली और ब्राउन राइस हो तो अच्छा है उसकी खिचड़ी बना ले, और ज़्यादा नहीं एक चम्मच गाय के घी में छोंक ले, इतनी टेस्टी और इतनी अच्छी होती है साहब, पूरा कोलाइटिस ठीक, और थोड़ा पिंडली दबा ले ऐसे ऐसे जी, वज्रासन में भी पिंडली दब जाती है इसलिए वज्रासन में ऐसे, और पवन मुक्तासन में या मंडूकासन में, इससे भी जो है ये कोलाइटिस की, हाँ इसमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा मीनाक्षी जी, दोस्तना जी, घी मीठा चीनी,
चीनी और चीनी से बने हुए सभी पदार्थ और घी और दूध तीन चीजें दुश्मन हैं। हाँ, और सारा शरीर ना कट कट के आंव के रूप में बाहर निकलता रहता है। वैसे घी हम सबको खाने के लिए बोलते हैं, दूध भी पीने के लिए बोलते हैं, और मीठे के विकल्प के रूप में बहुत सारी चीज़ें भी हम बताते हैं। चीनी के तो हम विरोधी हैं, सो है। और जो है जितना भी कच्चा है ना उसको चबा चबा करके खाएं, अंकुरित और मूली बथुआ मेथी, ये बथुआ बथुआ बहुत जोरदार होता है, बथुआ मेथी ये बथुआ ये सुपर फूड है, सर्दियों का सुपर फूड। हाँ, सुपर फूड के नाम पर बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हैं, तो बथुआ बथुआ का रायता खाएं। बथुए के रायते में थोड़ा अनारदाना, ये बहुत देर से हमारे डॉक्टर अनुराग जी खड़े हुए हैं, अनुराग जी एक अनार ले लो आप और इसको छील के रखो। हाँ है ना, ये मैंने सुना है आप बड़े अच्छे पाक शास्त्री भी हो, अपनी पत्नी की बड़ी अच्छी सेवा करते हो, जो है खाना बना के भी खिला देते हो, आज तक हमको तो खिलाया नहीं कभी। स्वामी जी, अनार को छील के रखो। स्वामी जी, वैसे आपकी तरफ जो सूरज देवता है, रायता अनार के साथ खाएं, उनका वोल्टेज यहाँ दिल्ली एनसीआर वाले से ज्यादा है। हाँ, अच्छा मूली खाने से बाई हो जाए तो क्या करें, सुबह की दोपहर की खाई विषय नहीं होगी, रात को खा ली तो गुड़ खाना पड़ेगा। मूली सारे खाने को पचा देती, मूली किससे पचाई, मूली को गुड़ से। स्वामी जी, बथुए की आपने बात कही तो पहाड़ों में बथुए को रानी के नाम से भी जाना जाता है, सर्दियों की रानी, हरी सब्जियों की रानी, इतने इसके फायदे हैं। स्वामी जी, गैस और कोलाइटिस की तो बात हो गई, इसका समाधान तो आपने दे दिया, लेकिन ये जो पेट की परेशानियां हैं ये बहुत ज्यादा है, इनकी लिस्ट लंबी है। लंबे वक्त तक अगर किसी को कब्ज की शिकायत है, परेशानी है, तो पाइल्स, फिशर और फिस्टूला भी हो सकता है, इसकी परेशानी भी बढ़ जाती है, तो स्वामी जी इसका क्या उपाय करें, इससे कैसे निजात पाएं? पाइल्स, फिशर, फिस्टूला बहुत पीड़ा देता है। एक बाबा जी को हो गया, मैंने कहा जी ध्यान लगाया करो, बोले ध्यान तो बाबा जी नीचे लगा रहता। मैंने कहा क्या हो गया, बोला पहले पाइल्स फिर फिशर बना, फिस्टूला हो गया। तो ये बड़ा खतरनाक है, एक एक रोग यहाँ से तो दबाना चाहिए, हाथ में यहाँ से देखो अंगूठे के पीछे, यहाँ से ये दोनों हाथों में यहाँ से और टखने के नीचे यहाँ से, बहुत जरूरी बता रहा हूँ। और अर्सोग्रिट और कायाकल्प वटी जबरदस्त है, और एलोवेरा के साथ ले लें, एलोवेरा के 4 चम्मच पानी में डाइल्यूट किए, 1 गिलास पानी उसके साथ अर्सोग्रिट और कायाकल्प सुबह शाम ले लें, ये पॉइंट दबाए। और हाँ, एलोवेरा का जेल हम पतंजलि से देते हैं, एलोवेरा जेल और जात्यादि घृत या जात्यादि तेल ये लगा लें। और सर्वकल्प और कायाकल्प क्वाथ ये बड़े ज़बरदस्त हैं, ये इससे सस्ता और इससे अच्छा उपचार कोई हो नहीं सकता, बताओ ये 25-30 रुपए का सारा सौदा है। हाँ, अब महंगाई बढ़ गई, भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई देखो फ्रेश है, ये वैसे ले लिया करें। अब जितने भी ये लीवर के और आंतों के पायस पिसर फिस्टूला के रोगी हैं, अभी आ जाएं, अभी फ्रेश मिल रहा है, थोड़े दिनों के बाद में ये भूमियावला भी इसके तुलसी जी के साथ में इसका साथ में लगा हुआ है, उधर पुनर्नवा है, वो छोटी पत्ती है और इसकी जड़ मोटी होती है, एक मोटी पत्ती वाला होता है उसकी, उसका साग बना करके खाते हैं। और ये मकोई, ओहो बड़ा ज़बरदस्त होता है, इसको पी ले, इससे तो पूरा पाचन तंत्र, और ये सर्वकल्प के में यही सूखी हुई है और कायाकल्प, ये ले लें पूरा पायस पिसर फिस्टूला का मामला खत्म। 2 उपाय और बताता हूँ, देसी कपूर, भीमसेनी कपूर देखो ये रखा हुआ, इधर हवन चल रहा है और ये हवन भी, हाँ आज दीदी ने यज्ञ वेदी डबल कर दी, एक नीचे लगा दी एक ऊपर लगा दी, हाँ जिससे नीचे भी स्वर्ग में रहे और ऊपर भी स्वर्ग मिले, इसलिए दो हवन कुंड ऊपर नीचे लगा दिए। और इसके बगल में जो भीमसेनी कपूर रखा है ना, ये कपूर दो भाई इधर,
हाँ, ये भीमसेनी कपूर एक इतना सा छोटा सा इतना सा है, तो ये भीमसेनी कपूर देसी कपूर छोटा सा एक चने के बराबर ये लेकर के, ये भीमसेनी कपूर हमने पहली बार उपलब्ध कराया, तो भीमसेनी कपूर छोटा सा वो केले में डाल करके निकल जाए और उससे पायस फिसर फिस्टूला तीनों अच्छी हो जाती भैया। डॉक्टर अनुराग तो बड़ा जोरदार है, थोड़ी देर में, अरे ये तो दाने भी इसके बड़े प्यारे प्यारे हैं। अभी आज हमने रामदेव के रामबाण में एक स्पेशल रेसिपी रखी हुई है, उसकी शोभा बढ़ाने का काम करेगा। और अनार भी बहुत अच्छा है, हाँ बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, हमारे डॉक्टर अनुराग जी की तरह। हाँ, और देखो ये भी सुबह खाली पेट खा ले, अनार सेव और गाय का ठंडा दूध, ऐसे कोई भैंस का भी ले सकता है, गाय का भैंस का, अब तो दूध में हमने भेड़ बकरी ऊँटनियों के साथ अब गधी का भी सम्मिलित कर दिया है, गधी के थन अभी भी मुझे दिखाई रहे, जब तक इसका दूध नहीं निकाल लूँगा तब तक आज इसकी बड़ाई करता रहूँगा। तो मेरे गधी की बोला तो गधे का फोटो दिखा रहा है आप गांवड़े इसको गधे और गधी में फर्क ही नहीं पता, ये कैमरा मैन को भी, अब मैं तेरे को ये तो नहीं बोलूंगा गधा कहीं का, क्योंकि गधा बोलना ये गधे का अपमान है अरे नहीं वैसे मजाक कर रहे, तू तो अच्छा है तो खैर, हरड़ बहेड़ा आंवला बकायन, हरड़ बहेड़ा आंवला बकायन, बकायन और नीम की निमोली, ये नीम का भाई बंधु है ना बकायन, उसी फैमिली का है ना। हाँ, डॉक्टर अनुराग जो है इसका हमसे गहरा अनुराग हो गया है, ये तो शादी से पहले मिल गया होता तो क्या नाम है बना देते बहन जी का, चारू जो है वो चारा ही खाती रहती तो तो हरण बैठा और बकायन इसको भी हम मूंड देते, बकायन और नीम की नमोली पांच चीजों का पाउडर करके एक एक चम्मच खा लो साहब, बवासीर गायब। तो देखो ठंडा दूध उसमें नींबू निचोड़ के, एक कप दूध नींबू निचोड़ के खाली पेट, मैंने लाखों लोगों की बवासीर ठीक की बोलो इसी से ही, कपूर वाले प्रयोग से, कपूर वाला प्रयोग हमारे गुरुजी दादा गुरुजी दो तीन पीढ़ियों से करते आए थे, बड़ा जबरदस्त है। तो ये बवासीर के लिए, और अच्छा बवासीर का ना इलाज जो है ना एलोपैथी में है नहीं, इसलिए जहाँ देखो रेलवे स्टेशनों पर सड़कों पर बवासीर के रोगी फलाना हकीम से मिले, नीम हकीम खतरे जान इसमें बहुत है, तो बवासीर में इंजेक्शन लगा देते हैं और वो बहुत खतरनाक, उसमें सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, स्टीरॉयड लगा देते हैं राम एलोपैथी में ना, वहीं पर एनएस के पास लगा देते हैं, कई दिनों तक आदमी तड़फता नहीं, बैठ सकता ना, चल सकता न सो सकता, बहुत बुरी हालत कर देते हैं। अच्छा किया, थैंक यू मीनाक्षी ज्योत्सना जी के एक बार अभिनंदन है भाई। हाँ, आप कई दिनों से बाहर चले गए थे मीनाक्षी जी, अब ये तो हम नहीं पूछेंगे कहाँ गए थे, लेकिन आप लौट आए, बहुत अच्छा किया ये आपने। आज का ड्यूटी विजय चौक पर लग रही है, चलो पार्लियामेंट्री फैशन चल रहा है, शीतकालीन सत्र है जो कतई शीत अच्छा, नहीं है। विजय चौक पर थे आप, शीतकालीन सत्र के साथ राज धर्म निभाने में लग गए थे आप। जी जी स्वामी जी, आजकल इसलिए मैंने कहा शुरुआत में कि ड्यूटी जरा मेरी खुले आसमान के नीचे ही लग रही है, तो जो वो परसेंटेज था ना सडन डेथ का 34% में कम कर आई हूँ, खुलकर धूप भी मिल रही है। जी स्वामी जी, एक और विषय ले लेती हूँ, कई बार लोगों को भूख तो बहुत लगती है, बड़े परेशान रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे भर के थाली आएगी और चंद मैं पल भर में फफा चट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा ये खाते हैं कि फिर कहने लगते हैं कि ना पेट भर गया हमारा, फिर कहते हैं कि खाना खाया ही नहीं जाता। स्वामी जी ये क्यों होता है, भूख बहुत लगना लेकिन जरा से खाने में ये कहना कि पेट भर गया, क्या ऐसा कोई लिवर का कनेक्शन है? जिनको भूख ऐसे कहते हैं लगती, वो तो वो नकली भूख, और जब शीर्षासन करेंगे, जब हलासन करेंगे ना, एकदम ओरिजिनल वाली भूख लगेगी। और देखो शीर्षासन जो हमारे सारे सन्यासी
जिन्होंने सारा आसमान आज सिर पर ठा लिया है, बहुत जोर से लगे पड़े भाई। और हमारी सन्यासिनी बहने तो गजब है भाई, ये तो सभी शीर्षासन कर रही है। हाँ, वाह क्या कतार है। शीर्षासन और ये हलासन, ये बड़ा जबरदस्त है। हाँ, ये शीर्षासन, आप तो शीर्षासन में टंगे रहो भाई आदित्य देव जी, जब तक कहा ना जाए तब तक शीर्ष पर ही पहुँचो। हाँ, और हम जमीन से आपको देखते रहेंगे। तो ये शीर्षासन हलासन भूख के लिए बड़ा अच्छा है। फिर मंडूक आसन बताया था, पवन मुक्तासन भी ऐसा ही, उत्तान पादासन भी ऐसा ही, उसे भी भूख बड़ी अच्छी लगती है। मयूरासन, मयूरासन उत्तान पादासन और ये उत्थित पद्मासन। अरे साहब, इतनी कड़ाके की भूख लगती है, सुबह सुबह अनार खा लो कड़ाके की भूख लगती है। और ये जो लिवोग्रीट और लिवामृत है ना, लिवोग्रीट फिर लिवोग्रीट वाइटल, इसका बड़ा भाई है ये खाली पेट, और फिर लिवामृत खाने के बाद ये खिला करके तो हमने करोड़ों लोगों की भूख जबरदस्त बढ़ा दी है। ओ जबरदस्त भूख, बस गनीमत है पड़ोसियों का नहीं खा रहे। हाँ, इतनी जोरदार भूख लगती है। और ये तो ये मोटा नहीं है, कभी कोई आदित्य देव को मोटा मानने लगे, ये तो पतंजलि का घी लग गया इसको। हाँ भाई, इतनी तो उतरा रहे भाई। हाँ, तो ऐसे अपने बच्चों को भी बलवान बनाए, कपाल भाती करो। पेट छाती से नीचे रहना चाहिए। हाँ, अभी तेरा नीचे ही है, खींच तो नहीं रखा ना, ठीक है। हाँ, उसने उसका मोटा हो रखा, इधर। हाँ, देखो हमारे पास सभी तरह के मॉडल हैं। अभी यह बैठ। अरे इसका भी पेट तो नीचे ही है, लेकिन तेरी छाती और पेट अलग अलग नहीं दिख रहा। देखो छाती ऊपर उभरी भी होनी चाहिए, देखो पेट नीचे रहना चाहिए। तो जिनको भूख कम लगती है, लिवोग्रीट लिवामृत, सुबह सुबह आंवला एलोवेरा ले ले, सुबह सुबह अनार ले ले, और एप्पल, एप्पल तो इतना अच्छा है, सेव। अब पता नहीं है जो क्रिश्चियनिटी है ना, उसमें सेव की बड़ी निंदा है, पता नहीं कुछ कुछ ऐसे उसने उसको दे दिया तो उसने उसको दे दिया, हमने तो फिर पढ़ी नहीं कहानी, तो एडम और ईव वाली गड़बड़ है मामला। तो एप्पल बड़ा अच्छा है, बाकी हाँ वो हमने पढ़ी नहीं, अपने लेना देना भी नहीं। मैंने कहा भाई अपना इससे वास्ता ही नहीं, तो अपने को जिधर जाना है उसको पूछना क्या। लेकिन ये अनार और ये जो है एप्पल बड़े अच्छे, और जिनको वो ना मिले उनके लिए अमरूद, और सर्दियों में अमरूद और एप्पल तो ऐसे भी खा सकते हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं होता। इस एक दिन मैंने चार आधा किलो अमरूद खा गया मैं, और फिर ठंड बैठ गई, नशे नुस्से करना पड़ा। उस दिन के बाद मैंने कहा सर्दियों में अमरूद उबाल के खाओ भाई, और खाना है तो एक ही खाना, हाँ पूरा आधा किलो मत खाना स्वामी जी। तो पाचन के लिए बहुत अच्छा। द्राक्षा सो बड़ा अच्छा है, इससे नींद भी बड़ी अच्छी आती है और भूख अच्छी लगती है, और दारू पीने वालों को दारू भी छूट जाती है। कार्यक्रम के बीच में रामदेव के रामबाण के बारे में बता दिया था, तो लोग बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अब मैं जरा आपको प्राणायाम पर ले आता हूँ, एक सेशन कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो अंदर वाला हीटर कैसे ऑन करना है जरा वो बता दिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो गर्मी अंदर है, शक्ति अंदर है, शांति अंदर है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्रातावनः संयमः शय्या भूमितलं दिशो पिवसनं जानामृतं भोजनं येते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। ये योगियों का पूरा कुटुंब फैमिली बता दी है। धैर्यम यस्य पिता, धैर्य हमारा बाप है, क्षमा हमारी माँ है, शांति हमारी पत्नी है। किसी का नाम हो तो गलत फहमी में मत रहना भाई, ये अंतर मन की शांति की बात हो रही है। तो ये अंदर शक्ति है, अंदर शांति है, अंदर ज्ञान है, अंदर भगवान है। तो कुछ लोग बाहर से कपड़े ओढ़ लेते, तीन तीन पांच पांच लेयर। हाँ, अब अंदर जब प्राणायाम करेंगे तो अंदर का हीटर ऑन हो जाता है भस्त्रिका में, कपाल भाती में।
ओ अंदर से पूरा मूलाधार से ससरार तक देह देवालय शिवालय हो जाता और हनुमान जी जैसी शिव जी जैसी शक्ति और मेरा जैसी भक्ति हमें आ जाती है। क्या बात है, ये योग की महिमा ही न्यारी है साहब। और कोई बाह्य प्राणायाम कर ले तो फिर तो ऊर्ध्व रेता हो जाता है, ऊर्ध्व चेता हो जाता है। अनुलोम विलोम तो 72,72,10,201 नाड़ियों को और 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज कर जाते हैं। 2,400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक और 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक पूरा ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। आनंद ही आनंद हो जाता है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, पानी में मीन प्यासी रे मोहि सुनि सुनि आवत हासी, आत्मबिनान आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। स्वामी जी जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, है हाजिरी कहीं दूर बताए दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन भरम न जासी रहे। तो अंदर है सब कुछ मेरे भाई हुसैन जी, हाँ कुछ अगला बोलो स्वामी जी। बस आगे बढ़ते रामदेव के रामबाण का वक्त हो गया। स्वामी जी आयुर्वेद का जो रामबाण है अब वो चलाइए और किसी बीमारी का खात्मा कीजिए। तो आज का रामबाण है ये बथुआ है ना, इसको स्टीम करो। कुछ लोग इसको उबाल करके पानी फेंक देते हैं, फिर थोड़ा पानी तो निकलेगा, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल करके पी लेना, बड़ी ताकत आएगी। फिर इसके लड्डू से बन जाते हैं और फिर इसको थोड़ा ऐसे फोड़ लो और फोड़ करके इसमें मिला दो दही ये, और फिर इसका जो रायता बनता है ना साहब, अच्छा बताओ जैसे लोग गधा गधी कह करके गाली देते हैं, इसने रायता फैला रखा है, ये क्या मतलब हुआ? रायता इतना बढ़िया है और वो भी बथुए का रायता, और इसमें जो हमारे डॉक्टर अनुराग जी लेकर के आए थे देखो कितना खूबसूरत हो गया है बथुए के रायते में। अब ये इसकी इसकी शोभा बढ़ा दी अनार ने। अब ये और इसमें थोड़ा सा ऊपर से डाल दो, हमने बथुए का की सगाई कराई इसके साथ अनार के साथ, अब इसका ब्याह करा देते हैं लवण भास्कर हिंगवाष्टक के साथ। अरे साहब क्या जबरदस्त है, इससे इतना टेस्टी हो जाता है लवण भास्कर हिंगवाष्टक, फिर इससे गैस एसिडिटी सब गायब। और बहुत देर से हमारे आदित्य देव जी की निगाहें इधर ही टिकी तो भाई नजर ना लग जाए, इसलिए भैया पहले तो प्रसाद स्वामी जी आप दीजिए। हे बाबू हाँ खा ले इसको, हाँ लो खाओ खाओ खा ले, हाँ स्वर्ग है धरती का यहाँ पतंजलि में। तो ये बथुए का रायता खून बढ़ाने वाला, ओ बल बढ़ाने वाला, अरे साहब मजा आ गया। मेरे को बचपन से बड़ा प्रिय है, घड़े दिनों के बाद में मैं भी देख लेता हूँ कैसे बना। स्वामी जी हम लोग यहाँ से बहुत देर से देख नहीं पाएंगे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। योग पंचायत लगा भाई एकदम वेरी यमी यमी। स्वामी जी बहुत सारे लोगों ने योग पंचायत लगाई और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। नागौर राजस्थान से ये तस्वीरें आई हैं स्वामी जी, पूरा परिवार योग पंचायत कर रहा है। हरियाणा फरीदाबाद में भी योग पंचायत लगी एक पेड़ के नीचे। पालघर महाराष्ट्र से तस्वीरें आई हैं, ये तो रोड साइड ही लग रही है तस्वीरें। और ये पार्क में योग पंचायत लगी है। अहमदाबाद गुजरात से तस्वीरें आई, गुरुग्राम हरियाणा से छोटे बच्चे, एक बड़ा और 4 बच्चे, ये मुझे लग रहा है किसी स्कूल कैंपस का कॉरिडोर है। और पुणे स्वामी जी अब बेस्ट वीडियो आपको दिखाते हैं, और बेस्ट वीडियो पुणे से आया स्वामी जी, वैभव पाचार ने है आज के विजेता। अकारण धनुराशि वैभव के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, वैभव के लिए रायता भी, क्या बात है। और भाई आज वाला चैलेंज क्योंकि रायता खा करके कर रहे हैं तो बड़ा जोरदार होगा, बहुत टफ मत दे दीजिएगा स्वामी जी, ये तो सच में बहुत जबरदस्त रेसिपी बन गई। चलो चक्रासन करो, कल का चैलेंज चक्रासन, खड़े खड़े कर दो। अब खड़े खड़े करने में बेटियां ने तो तुरंत कर दिया, ये खड़े खड़े भी कर लेना, कुछ लेट के कर लेना देवा दीदी जी की तरह।
करो करो ये तो फिसक भी है, चलो करो चलो भाई तो जोरदार अभिनंदन है कर का चक्रासन का वीडियो जो बना करके भेजेंगे वो विजेता बनेंगे। और आज पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार से हम पूरे देशवासियों का आह्वान करते हैं, आओ योग में जीवन बनाओ, योग में जगत बनाओ, चारों तरफ संसार में योग का विस्तार होगा, सारा योगी बने संसार जगत में, कोई ना हो बीमार, जीवन ये समर जाएगा। तो ये आज का चक्रासन का चैलेंज हो गया और वृक्षासन के साथ आपको प्रणाम। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत भारत माता की जय।